हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथायरायडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायरायडिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ये तुम्हारे मेडिसिन से लेके पीडियाट्रिक्स से लेके हर जगह तुमसे पूछा जाएगा, हाइपोथायरायडिज्म, क्रेटिनिज्म, मिक्स एडिमा, कोमा, ठीक है ना, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ऑटोइम्यून, ठीक है ना, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी तुमसे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, हाइपोथायरायडिज्म होता क्या है? थायराइड हार्मोन का मतलब प्रोडक्शन कम हो जाए, हाइपोथायरायडिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली इट्स अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स दैट लीड्स टू that is produced by thyroid hormone less synthesis of thyroid hormone, right? तो क्या क्या हो सकता है? Hashimoto's disease हो सकता है, endemic goiter हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ लिखा है सब, Hashimoto's, endemic goiter, idiopathic non-toxic colloid goiter, right? Cretinism, इस सब की मैं आगे बात करूँगा। Hashimoto disease की सबसे पहले बात करते हैं। Hashimoto's disease में क्या होता है? Basically antibodies होती है किसके against? Thyroid gland के against, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी बॉडी हो गई अगर थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट, तो क्या होता है? ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होता है। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होगा तो क्या होगा? थायराइड का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होती है तो थायराइड का इन्फ्लेमेशन होता है, तो क्या होता है उससे? प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन एंड फाइनली फाइब्रोसिस ऑफ द ग्लैंड। तो क्या होता है इससे? प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन हो जाता है और फाइनली फाइब्रोसिस हो जाती है ग्लैंड की, ठीक है ना। तो क्या होता है बेसिकली एंटीबॉडी अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड हो जाएगी, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो जाएगा, ठीक है, थायराइड का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और प्रोग्रेसिव डिटेरिएशन हो जाएगी ग्लैंड की और फाइनली फाइब्रोसिस हो जाएगी ग्लैंड की, राइट। तो इसके बाद क्या कर देंगे? डिक्रीज और नेगेटिव मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा थायराइड हार्मोन T3-T4। बेसिकली होता क्या है, यहाँ एंटीबॉडी बनी, थायराइड का इन्फ्लेमेशन हो गया और डिटेरिएशन फाइब्रोसिस हो गया और इसके कारण से T3-T4 कम हो गया। तो ये हो गई तुम्हारी Hashimoto's disease, राइट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हमारे एंडेमिक गोइटर के बारे में। एंडेमिक गोइटर क्या होता है? आयोडीन एब्सेंस इन सर्टेन रीजंस, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि कुछ रीजंस, एंडेमिक क्या मतलब है? कुछ रीजंस, कुछ पर्टिकुलर रीजंस, राइट। तो एंडेमिक गोइटर का क्या मतलब है? आयोडीन का एब्सेंस हो गया इन सर्टेन रीजंस, ठीक है ना। तो उनसे क्या कारण से क्या होगा? T3-T4 कम हो जाएगा, तो नो नेगेटिव फीडबैक टू TSH। अब TSH के ऊपर कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा क्योंकि T3-T4 ऑलरेडी कम है, तो TSH बढ़ जाएगा, थायरोग्लोबुलिन्स जो है इंक्रीज बाय फॉलिकुलर सेल्स, तो फॉलिकुलर सेल्स जो है थायरोग्लोबुलिन्स बढ़ाने लगेंगी, ग्लैंड का इलाजमेंट होगा 10-20 times, ठीक है ना। ग्लैंड का मतलब देखो अभी क्या हुआ, TSH बढ़ गया, ठीक है, TSH बढ़ा, थायरोग्लोबुलिन्स बढ़ेंगे, तो क्या होगा? इलाजमेंट कराएगा, फॉलिकुलर सेल्स का इंक्रीज कराएगा, फॉलिकुलर सेल्स इंक्रीज किए तो थायराइड का इलाजमेंट हुआ, ग्लैंड का इलाजमेंट हुआ 10-20 times, डाइटरी इनटेक, ठीक है ना। तो ये होता है एंडेमिक गोइटर। और डाइटरी इनटेक ऑफ आयोडीन नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितना होता है? 50 mg आयोडीन पर ईयर में, 50 mg आयोडीन पर ईयर में खाना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होता है? नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है, राइट। इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइड गोइटर क्या होता है भाई? इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइड गोइटर, नाम सुनने से खतरनाक सा। सबसे पहली बात, इडियोपैथिक क्या मतलब है? नो डिफाइनिंग कॉज, मतलब नो प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि कोई हमें पता ही नहीं कारण क्यों हुआ। इडियोपैथिक रीजन से क्या हुआ? नो आयोडीन डिफिशियंसी। इडियोपैथिक रीजन से आयोडीन डिफिशियंसी नहीं है, थायराइड ग्लैंड का इलाजमेंट हो गया। एवी मतलब, ठीक है ना, मन किया चलो आज मन कर, आज थायराइड ग्लैंड का मतलब जैसे मैं थायराइड ग्लैंड हूँ, आज मेरा मन किया चलो आज इलाज होने का मन है, ठीक है ना, तो आज इलाज हो गए, ऐसे ही उसका मन कर गया, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड का इलाजमेंट हो गया उस बंदे को, ठीक। इडियोपैथिक रीजन से, इडियोपैथिक रीजन में भी कुछ भी हो सकता है यार, मतलब डिफेक्टिव आयोडीन, ये सब थ्योरीज हैं, ठीक है ना, लेकिन मतलब होता कुछ ऐसा है नहीं, मतलब कोई किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? डिफेक्टिव आयोडीन ट्रैपिंग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, पैराडॉक्सिक बेस सिस्टम हो सकते हैं, डिफेक्टिव कपलिंग हो सकता है, डीआयडीनेज एंजाइम हो सकता है, गोइटर जेनिक सब्सटेंस इनटेक ऑफ फूड, सब्सटेंसेस हैविंग प्रोपाइल थायरोसिल एंटी टाइप एंटी थायराइड एक्टिविटी, ये सब जो है करा सकता है, मे बी है, लेकिन इसको मत ही याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यार मे बी वाला रीजन है, मे बी वाले रीजन को वैसे ही मे बी भी छोड़ देते हैं, राइट। क्रेटिनिज्म क्या होता है? क्रेटिनिज्म बेसिकली इन्फेंट्स में, पीडियाट्रिक्स केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है ना क्रेटिनिज्म, ठीक है। क्रेटिनिज्म बेसिकली तुम पीडियाट्रिक्स में ही पढ़ोगे, ठीक है ना, वो पूछा जाता है तुमसे कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म के फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्रेटिनिज्म बेसिकली होता क्या है? एक्सट्रीम हाइपोथायरायडिज्म ड्यूरिंग फीटल लाइफ इन फैंसी चाइल्डहुड, एक्सट्रीम हाइपोथायरायडिज्म हो गया फीटल लाइफ में, इन्फेंसी में या चाइल्डहुड में, तो उसी को क्रेटिनिज्म बोल देंगे। बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड, यहाँ पे क्या होगा? बॉडी ग्रोथ मेंटल ग्रोथ जो है तुम्हारा रिटार्डेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेसिव हाइपोथायरायडिज्म ड्यूरिंग फीटल लाइफ इन्फेंसी चाइल्डहुड में होगा, बॉडी ग्रोथ मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड होगा। टाइप्स क्या क्या होंगे? कंजेनाइटल क्रेटिनिज्म, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे मतलब मान लो कंजेनाइटल क्रेटिनिज्म है तो कंजेनाइटली एब्सेंट हो गया थायराइड ग्लैंड मान ले। और दूसरा क्या हो सकता है? फेलियर ऑफ थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस
थर्ड स्टॉर्म ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ ग्लैंड। अब कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो गया ग्लैंड में तो वो फेलियर कर जाएगा कि हाँ भाई वो थायराइड स्टॉर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। एंडेमिक क्रिटिनिज्म मतलब लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट, तो कुछ उस एरिया में लैक ऑफ आयोडीन हो जाए डाइट में तो उस कारण से एंडेमिक क्रिटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट। बर्थ पे कैसा दिखेगा, बर्थ पे तुम्हें जो यहाँ पे बच्चा है वो नॉर्मली दिखेगा, नॉर्मल अपीयरेंस दिखेगा, बिकॉज जो थायराइड हार्मोन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे बच्चे में, क्योंकि मदर की थायराइड हार्मोन ये होते हैं ड्यू टू ऑलरेडी प्रेजेंट थायराइड हार्मोन ऑफ मदर, ठीक है ना, वहाँ से आएंगे। आफ्टर फ्यू वीक्स के बाद में इसका मैनिफेस्टेशन शुरू होगा, कैसे, स्लगिशनेस, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, ठीक है, स्लगिशनेस, बच्चा लिथार्जिक हो जाएगा, ठीक है ना, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, स्केलेटल ग्रोथ मोर इनहिबिटेड एंड सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, ठीक है ना, तो स्केलेटल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होगी देन सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ में, तो ओबीज स्टॉकी शॉर्ट अपीयरेंस होगा, ओबीज बच्चा जो है वो मोटा होगा, शॉर्ट अपीयरेंस मतलब कि भाई बोन का ग्रोथ नहीं हुआ प्रॉपरली तो क्या होगा, स्केलेटल डेवलपमेंट नहीं प्रॉपर हुई तो ग्रोथ रुक जाएगी, तो शॉर्ट अपीयरेंस स्टॉकी हो जाएगा। समटाइम्स टंग इनलार्जमेंट, टंग का इनलार्जमेंट होगा, डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग, चोकिंग एंड ब्रीदिंग, ठीक है ना, तो क्या होगा, टंग का इनलार्जमेंट हुआ तो स्वैलोइंग और ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, तो बंदे को चोकिंग हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि लड़का चोक करने लगेगा कि हाँ भाई मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे को स्वेलो नहीं हो रहा है, तो ठीक है ना, तो इस तरह की क्रिटिनिज्म प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरायडिज्म की। सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरायडिज्म यार सब जानते हो यार, हमको बताने की जरूरत नहीं है, स्लगिशनेस हो जाएगी, इंटॉलरेंस, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, स्वेटिंग कम हो जाएगी, स्लीप ज़्यादा आने लगेगी, ठीक है, बंदा लेथार्जिक हो जाएगा, वेट गेन होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, मसल सर्विसनेस आएगी, मिक्स एडिमा हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो बेसिकली मिक्स एडिमा, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बता दूँ, मिक्स एडिमा क्या होता है, टोटल लैक ऑफ थायराइड हार्मोन, यहाँ पे क्या हो गया, टोटली थायराइड हार्मोन लैक कर गया, मतलब कि है ही नहीं थायराइड हार्मोन, तो क्या दिखेगा, स्वेल बैगिनेस अंडर आइज, जैसे तुम्हारी आँखें बहुत ही भारी हो जाती है, नहीं बैगिनेस अंडर आइज, जैसे कि तुम चार रातों से सोए नहीं हो, ठीक है ना, और तुम चले गए एग्जाम देने, तो वहाँ पे एग्जामिनर पहले, जैसे मेडिसिन का अगर वाइवा हुआ चार रातों से तुम सो के नहीं गए हो, तो सबसे पहले मेडिसिन का तुमसे एग्जामिनर बोलेगा जाओ पहले उसका मिक्सिडीमा का टेस्ट करा के आओ, फिर आना है यहाँ बैठना एग्जाम देने, तो क्योंकि वो देख लेगा तुम्हारे आँखों के अंदर में जो है बैगिनेस आ चुकी है, ठीक है ना, और हो सकता है कि तुमसे मर्सी से पास भी कर दे, ठीक है ना। तो टिप नंबर वन, चार रातों तक सो के मत जाओ मेडिसिन एक वाइवा के पहले, ठीक है ना, अरे ऐसा मत करना, अरे फेल हो जाओगे साले, ठीक है, फेल मत होना सालो, सो के जाना अच्छे से, अगर नहीं आती नींद, नहीं आती है बहुतों को नहीं आती, जुलपी डेम 0.5 mg खाना, सो जाना, ठीक है, फर्स्ट क्लास करना पड़ता है, ठीक, चलो। मैगिनेस अंडर आइज हो गया कुछ, ये सब मजाक की बातें हैं, ठीक है, मैगिनेस अंडर आइज हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ फेसेस हो सकती है, ठीक है ना, मिक्स एडिमा में बेसिकली स्वेल कर जाएगा फेस, मैगिनेस हो जाएगी आइज के अराउंड, ठीक है ना। क्या कारण होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बढ़ गया, कोड्राइटिन सल्फेट बढ़ गया, तो हाइलुरोनिक एसिड, कोड्राइटिन सल्फेट बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू वाले जितने ये सब होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू वाले, तो इन टिश्यू जेल में हो गया, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में हो गया, ये दोनों बढ़ जाते हैं टिश्यू जेल में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ये स्वेलिंग करा देता है, ठीक है, सेल नेचर इन मोबाइल नॉन पीटिंग एडिमा, तो यहाँ पे जो है नॉन पीटिंग एडिमा हो, पीटिंग एडिमा नहीं होगा, पीटिंग एडिमा कहाँ देखते हो, CHF के केसेस में, CKD के केसेस में देखते हो, लेकिन यहाँ पे नॉन पीटिंग एडिमा होगा, मोबाइल नॉन पीटिंग एडिमा। एथेरोस्क्लेरोसिस इन हाइपोथायरायडिज्म कैसे होगा, थायराइड हार्मोन कम हुआ तो डिक्रीज कर देगा, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड को, मतलब कि इनकी जो डिग्रेडेशन को है वो डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज इन थायराइड, जो देखो थायराइड हार्मोन क्या करता है बेसिकली, ये कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड को कम करता है, राइट, लेकिन अगर थायराइड हार्मोन का डिफिशियंसी हो गया तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड बढ़ जाएंगे, फॉस्फोलिपिड बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो उसके कारण से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे भी बताया है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं हाइपोथायरायडिज्म के लिए, वही चीज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन लो हो जाएगा, थायराइड हार्मोन की जो है कंसंट्रेशन तुम्हारी कम हो जाएगी, BMR -30 to -50 डिक्रीज इन हाइपोथायरायडिज्म, BMR कम हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरायडिज्म ओरल इंजेक्शन ऑफ थायरोक्सिन टैबलेट, लिवो थायरोक्सिन दे दो, ठीक है ना, लिवो थायरोक्सिन टैबलेट से दो, टैब्स दे दो, ठीक है ना, लिवो थायरोक्सिन टैबलेट से दो, ठीक है। तो ये बात रही तुम्हारी हाइपोथायरायडिज्म के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।